आज हम बात करने जा रहे हैं फाइंडिंग सम एंड डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आइए देखते हैं, यहाँ पर ये दो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, और यहाँ पर एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, उन दोनों का प्रोडक्ट। हमें इन दोनों का सम फाइंड करना है, या हमें इस तरह के एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट का डिफरेंस फाइंड करना है। तो आइए ये देखते हैं, हम वैदिक मैथमेटिक्स टेक्निक से कैसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 4x-5, और दूसरा है हमारे पास 2x+3। ये हमने इस तरह से लिख लिया, प्लस इधर है 3x+4 और नीचे है 4x-1। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसके लिए आपको मैंने पिछले वीडियोस में वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड के बारे में बताया था कि उस मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वही हमने यहाँ पर यूज़ करना है। आइए देखते हैं, सबसे पहले ये वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं और साथ ही दूसरे वाले पार्ट को भी ऐड करते हुए चलेंगे। अब इधर देखिए, सबसे पहले वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन 4x और 2x को करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे 4x multiply 2x, ये हो गया वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन। इधर से हमें वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन मिलेगा 3x multiply 4x, और क्योंकि हमें ऐड करना है तो हम साथ ही लिख लेते हैं उसको भी, प्लस 3x into 4x, इस तरह से। तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट आ गया। अब मिडल में हमने क्या करना है, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना होता है, इधर भी होगा और दोनों को ऐड कर देंगे, तो एक ही स्टेप में हम अपना कंप्लीट आंसर लिखेंगे। अब देखिए 4x into 3 कितना हो गया, 12x, माइनस 5 into 2x 10x, ये तो हमें इधर से मिला, इसी तरह से हमें यहाँ भी मिलेगा 3x into -1 -3x, प्लस 4 into 4x 16x, तो ये हमारा सेंटर वाला पार्ट आ गया। अब हमें राइट साइड निकालना है, वो हमें इधर से मिलेगा, अगेन वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन दोनों का और ऐड, -5 into 3 -15, 4 into -1 -4, ये आ गया। अब आइए देखते हैं, इसको हम स्ट्रेट लाइन में आंसर लिख लेते हैं। 4x into 2x 4 2 8 x into x x स्क्वायर, तो ये बना 8x स्क्वायर, यहाँ से हमें मिला 4 3 12 और एक्स स्क्वायर, तो इधर से हमें मिला 8x स्क्वायर, इधर से हमें मिला 12x स्क्वायर, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20x स्क्वायर। अब हम मिडिल वाला पार्ट फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, 12x-10x 2x, और इधर से हमें मिला 16-3 13, तो 2 + 13 ये हमें मिल गया 15x, इधर से हमें मिला -19, तो यही हमारा आंसर है। हम इसको इकट्ठे लिख लेंगे, 20x² + 15x - 19। तो देखिए हमने इतनी शॉर्ट स्पेस पर ये प्रोडक्ट का सम फाइंड आउट कर लिया है वैदिक टेक्निक से। इसी तरह से इसका डिफरेंस भी निकाला जा सकता है। तो आइए एक क्वेश्चन डिफरेंस का देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम वही करेंगे, नंबर्स को पहले लिख लेते हैं, 3x + 2, उसके नीचे दूसरा नंबर 4x-1, बीच में हमने सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना है, इधर आ जाएगा 5x + 8, इधर आ गया 2x-4। अब देखिए वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन और दोनों का सब्ट्रैक्ट। अब हम थोड़ा डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, 4 3 12, ये बना 12x² 5 2 10 10x², 12 - 10 कितना हो गया, 2x². देखिए हमने सीधे आंसर लिख दिया, 2x², हमारा लेफ्ट पार्ट आ गया। अब हम निकालते हैं मिडिल वाला पार्ट, 3 1 3 - 3, 4 2 8 8 - 3 5, तो ये बना 5x, इधर से देखते हैं 5 4 20 - 20x, इधर से हमें मिला 8 2 16, तो -20x + 16x कितना हो गया, -4x। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो -of -4x, इस तरह से हम लिख लेते हैं पहले। अब राइट साइड हमें निकालना है, 2 1 2 - 2, 8 4 32,
तो माइनस टू, क्योंकि सेंटर पे माइनस का साइन है, माइनस 32 ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए ये बन गया 2x² माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 4x 9x। यहाँ देखिए माइनस टू माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 32, 32 माइनस टू 30, ये हमारा आंसर आ गया 2x² प्लस 9x प्लस 30। तो देखिए कन्वेंशनल मेथड से अगर इसे सॉल्व करना पड़ता तो हम पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते, उसके बाद इधर भी इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते, फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते। तो ये मेथड बहुत ही इजी और सिंपल है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इस स्टेप को करे बिना भी सीधे ये वाले स्टेप में